जो मेरे उम्र के लोग हैं, और अगर उनसे पूछा जाए कि बचपन में उनके लिए सबसे अच्छा घूमने की जगह कौन होती थी या गर्मी छुट्टी में वो कहाँ जाना पसंद करेंगे, तो ज्यादातर लोगों का जवाब यही आएगा कि या तो नानी घर या दादी घर। तो अभी इस वक्त मैं हूँ अपने नानी घर यानी कि जमशेदपुर टाटानगर, और इस वीडियो में मैं दिखाता हूँ आपको अपना नानी घर जो कि मेरे लिए बचपन में था मनाली, शिमला या स्विट्जरलैंड जितना अच्छा। मतलब अगर मुझसे बोला जाए तो मैं वहां नहीं जाऊंगा, मुझसे यहाँ आना मैं ज्यादा पसंद करता था बचपन में। तो मैं आपको दिखाता हूँ अपने नानी का घर, बहुत बदल गया है। जब हम पहले आते थे तब काफी कुछ अलग था, अब बहुत बदल गया है। तकरीबन मुझे भी अभी आए हुए तकरीबन 8 या 9 साल बाद मैं आ रहा हूँ अपने नानी घर पे, और वही दिखाने की मैंने आपको कोशिश करूंगा इस वीडियो में। तो चलते हैं, शुरू करते हैं अपना ऊपर का पूरा घर दिखाना मैं आपको चालू करता हूँ। और सबसे पहले दिखाता हूँ मेरा रूम जो गेस्ट रूम के रूप में यूज होता है, गेस्ट रूम बोल सकते हैं उसको। पहले इसको बोलते थे बैठक, तो बैठक ये बैठक है जहाँ पे हमने बचपन में बहुत शरारतें करी हैं। मतलब मैंने, मेरी मौसियों की लड़कियों ने, और सबसे बड़ा मैं ही था, तो यहीं पे हम लोग आते थे। उस टाइम ये पलंग नहीं होता था, ये सोफा नहीं होते थे, यहाँ पे नीचे की तरफ बैठाते थे, और केन का सोफा होता था यानी कि बांस का सोफा यहाँ पे रखा रहता था। तो ये गेस्ट रूम है, और शुरू करता हूँ मैं यहाँ से एंट्री से, जहाँ से हम लोग घर के अंदर एंट्री करते हैं। अभी हाल की फिलहाल घर में काफी काम चल रहा है, मेंटेनेंस चल रहा है, क्योंकि दोबारा रिनोवेट करवाएंगे, और कितना पुराना घर है ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। तो चलते हैं अभी सबसे पहले बाहर की तरफ। तो ये मेन एंट्रेंस जहाँ से हम लोग एंट्री करते थे, और ये कमरा होता था हमारे नाना जी का, बड़े वाले नाना जी के, जो कि अब ऑफिस में कन्वर्ट हो गया, और मामा जी इसमें बैठते हैं। और पहले नाना जी का कमरा था, मतलब कि मेरे मामा जी के दादाजी का कमरा था पहले। तो ये कमरा और ये कमरा जो कि अब सामान इसमें रखा हुआ है, अंधेरे में दिखेगा नहीं। और यहाँ से हम लोग निकलते थे, ये बीच का पूरा चौक जो कि अब सामान भरा हुआ है। एक एंट्रेंस यहाँ से थी जो कि अभी लॉक कर रखी है, क्योंकि अब थोड़ा यहाँ पे लॉक करके रखना पड़ता है। और ये गैराज, इसमें पहले गाय रहती थी, और घर में चल रहा है मेंटेनेंस का काम, तो अब इसमें बस गाड़ियां खड़ी होती हैं। और जब मैं शैतानी करता था बचपन में, तब उसको डराते थे कि ये एक छोटी सी कोठरी थी, यहाँ पे गाय का तूड़ा भरते थे, तो इसमें बंद करने के लिए बोलते थे मुझको कि इसमें बंद कर देंगे अगर तुमने शैतानी करी तो। तो ये भी थी एक एंट्रेंस, वो ऑफिस जो कि कमरा था पहले, और यहाँ पे एक बैठक होती थी जो कि मैंने आपको अंदर से ऑलरेडी पहले दिखा दी। तो यहाँ से उसकी एक एंट्री, और ये टॉयलेट बाथरूम। आप चल, ये वाली एंट्रेंस जो कि मेन गेट से स्टार्टिंग में थी, अभी इसको बंद रखते हैं क्योंकि यहाँ पे सामान रखा हुआ है। एक रूम ये था, एक रूम ये टॉयलेट बाथरूम, दिखेगा नहीं अंधेरे में, लाइट कम है। और आप चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे, ये वही वाला गेस्ट रूम जिसका मैंने आपको दिखाया था शुरू में। पिछले 60 साल से नियम बना हुआ कि चप्पल यहीं उतारनी है, बिना चप्पल के जाना नहीं है अंदर। रिकॉर्डिंग चल रही है। ये मेरी मौसी जी, सबसे छोटी मौसी जी, और ये मामी जी सबसे बड़ी वाली, और ये किचन, और ये मंदिर। हाँ, आपके भगवान को जरूर दिखाएंगे। एक दरवाजा ये बाहर निकलने के लिए, ये छोटी मामी जी, देख हम लोग का चोपा करना चाह रहा है ना, चोपा चोपा कैसी गंदगी थी ये दोनों। और ये पानी रखने की जगह, नहा लेती ना मामी जी, सोचती है कि हम लोग नहा लेते, अच्छा कपड़ा पहने से तो करा। और टॉयलेट बाथरूम, अरे मामी जी तो हमेशा ही अच्छी लगती है।
और वो पूजा जो नहा के बैठी हुई है एकदम आधा मौसी की लड़की, और ये छोटी छोटी मामी का कमरा जो कि पहले हमारा कमरा होता था जब हम आते थे, ये मामी जी कमरा, और एक वहां से दरवाजा है जो कि पीछे की तरफ निकलता है गैलरी में। ये बड़ी मामी जी का कमरा, तो ये बड़ी मामी जी कमरा, एक दरवाजा यहां से जो कि मैं आपको दिखाता हूं उस तरफ से, तो वो वाला छोटी मामी कमरा था, ये बड़ी मामी कमरा है। था क्या मतलब, अब हो गया है। पहले हम लोग इसमें खूब शैतानी करते थे, ये वो दरवाजे जो कि वहां से बंद पड़े हैं। एक दरवाजा ये है वही बड़ी मामी जी का, ये पूरा यहाँ पे पहले एक खाली जगह होती थी पूरी, एक कुआं होता था, और ये पीछे का गैलरी पूरा, ये सब बाथरूम है पीछे की तरफ, और ये सब पूरा एरिया उस टाइम खाली होता था। अभी यहाँ पे पूरा बन गया है, ये एक गोदाम जिसमें मामा जी का सामान रखा हुआ है पूरा। तो ये फर्स्ट फ्लोर, आप चलते हैं ऊपर वाले फ्लोर पे। ये फर्स्ट फ्लोर, तो ये पूरा का पूरा एक हॉल है ऊपर खाली जिसमें, और ये सोफे वोफे सब कवर कर रखे हैं जिससे गंदी नहीं हो, क्योंकि यहाँ पे बारीक बारीक डस्ट उड़ती रहती है हमेशा, तो गंदे ना हो इसलिए इसको हमेशा ढक के रखते हैं। तो ये ऊपर वाला पूरा, और ये जितने भी कर्टेंस में दिख रहे हैं सारे रूम्स, तो ये एक रूम है, ये किचन है, वो टॉयलेट बाथरूम है, ये एक स्टोर रूम है, ये सामने का पूरा, और वो एक रूम है, वो नाना जी का रूम है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। एक रूम ये है, एक रूम ये है, तो ये सब गेस्ट रूम, सारे के सारे गेस्ट रूम है। और हम लोग बचपन में यहाँ पे बड़ी शैतानी करते थे बहुत, और ये पूरा पीछे की तरफ से, मतलब जो पीछे वाला एरिया है वहां से दिखता हुआ ये पूरा, और ये टॉयलेट बाथरूम पीछे की तरफ। अभी काम चल रहा है, अभी क्या है कि पूरा इनको चेंज करवाना है, दोबारा रिनोवेट करवाना है, और इस मकान की एज कम से कम 60-65 साल, मतलब ये 60-65 साल पहले का बना हुआ मकान है। पिछले 30 साल पहले इसकी रिनोवेशन हुई थी, और अब हो रही है, अब होगी। और एक ये कमरा, वो सॉरी हो गया, ये हंसिका, हेलो। तो ये रूम था पहले नाना जी का, अब हो गया भानु का, भानु जो मेरे बड़े मामा जी का लड़का वीडियो बना रहा। तो ये पूरा के पूरा एक रूम है, और उस तरफ वही टॉयलेट बाथरूम जो कि मैंने आपको उधर से दिखाए थे। वॉशरूम का दरवाजा किधर से कर दिया आप? अरे वाह, अली बाबा 40 चोर की तरह, मतलब सीक्रेट दरवाजा। तो ये पूरा का पूरा बाथरूम जो कि पूरे के पूरे इस ऊपर से लेके नीचे तक बने हुए हैं। हाँ, पहले मतलब यहाँ पे सीधे दरवाजा था, अब ये अलमीरा के अंदर कर दिया पूरा कवर। हाँ, वो तो पीछे की तरफ से बालकनी है। तो ये फाइनली पूरा का पूरा मकान, इसके ऊपर एक फ्लोर और बना हुआ है। चलो रेस्ट करो, ठीक है। तो और इसके ऊपर एक फ्लोर और बना हुआ है, पर वो टेरेस है, उसको दिखाना कोई फायदा नहीं। तो कुल मिला के पूरा का पूरा घर है जो कि आपको मैंने बहुत जल्दी दिखा दिया, अदरवाइज इसमें बहुत सारे और ऐसे हिस्से जो कि मैंने भी आज तक नहीं देखे इतने सालों में। तो एक वॉशिंग उस अलमीरा के पीछे भी बना हुआ है, जो कि मुझे तकरीबन 30 साल बाद मालूम चला कि वहां पे भी एक वॉशिंग बना हुआ है। वापस आ गए हम अपने गेस्ट रूम में जहां से शुरू किया था।
और कमेंट करके बताएं कि बचपन में आप कहाँ जाना पसंद करते थे, दादी घर में या नानी घर में। जैसे हम तो पसंद करते थे नानी घर में आना, तो आप कहाँ पसंद करते थे कमेंट करके जरूर बताएं। और जितना हो सकता था मैंने आपको दिखा दिया। अभी फिलहाल रिनोवेशन का काम चल रहा है और लगभग 1 साल लगेगा इस पूरे मकान को रिनोवेट होने में, और उसके बाद इसमें नया डिस्टेंपर होगा, काफ़ी चेंज होगी। जहाँ पे जैसे मैंने जो मामी जी की किचन दिखाई थी वो चेंज होगी, उसको पूरा एक करेंगे, यानी कि जो पानी वाला जगह है जिसको हम प्रणय बोलते हैं, स्टोर रूम किचन ये सब एक होगी और वहाँ पे एक ओपन किचन बनेगी। तो जब अगली बार आएंगे तब हो सकता है घर हमें बहुत चेंज मिले, बदलाव मिले। बचपन की कुछ यादें ऐसी होती हैं जिनको कि आप शायद जीवन भर नहीं भूल पाते हैं, तो उसी में से हमारी कुछ यादें हैं जो नानी घर से जुड़ी हुई हैं। और आज के लिए इतना ही काफ़ी, मिलते हैं अब अगले वीडियो में।